लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में काफी प्रोटेस्ट हुए जिनकी मुख्य मांगे थी सिक्स शेड्यूल। अब सिक्स शेड्यूल क्या है और साथ में हम लद्दाख और सोने वांगचुंग को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अधीन हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा खत्म होने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है जबकि लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है। मध्यकालीन इतिहासकार लद्दाख को महान तिब्बत नाम से संबोधित करते थे जिसका अर्थ होता है उच्च भूमि क्षेत्र, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और एक पहाड़ी क्षेत्र है लद्दाख जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है और लोकसभा में भी सिर्फ एक सदस्य चुनकर भेजता है जिसका प्रशासन उपराज्यपाल संभालता है और सभी निर्णय केंद्र द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि यह एक भारत का यूनियन टेरिटरी है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुंग की। सोनम वांगचुंग का जन्म हुआ 1966 में, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक शिक्षाविद भी है और साथ में एक इंजीनियर भी है। इनकी एक संस्था है जो लद्दाख में लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए काम करती है जिसका नाम है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसके ये संस्थापक निदेशक भी हैं। जो ये संस्था है इसका जो परिसर है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है यानी यहां पर किसी प्रकार की अन्य बिजली या किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता हीटिंग के लिए, वो एक सौर ऊर्जा से संचालित संस्था है। राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट से तो आप सभी वाकिफ होंगे जिसमें आमिर खान ने जो किरदार निभाया है फुंगचुंग वांगडू का, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुंग से प्रेरित है यानी सोनम वांगचुंग का जो किरदार है लद्दाख में उसी से प्रेरित है फुंगचुंग वांगडू का किरदार जो 3 इडियट मूवी में आमिर खान द्वारा निभाया गया। पुरस्कारों की बात करें तो इनको एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुका है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2018 में मिला, और भी अन्य पुरस्कार सोनम वांगचुंग को मिल चुके हैं। लद्दाख में 2019 से पूर्व लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था जो धारा 370 के अधीन था जिसको जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान थे, लेकिन 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने यानी केंद्र शासित प्रदेश बने जिससे वहां के जो विशेष प्रावधान थे वो खत्म होंगे। अब वही मांग रखते हैं सोनम वांगचुंग और लद्दाख के लोग। सोनम वांगचुंग ने सोलर हीटेड मिलिट्री जो टेंट बनाए थे वो भी काफी चर्चा में रहे। वो क्या थे कि भारत की सेना को लद्दाख की ठंड से बचने के लिए पूर्णतः सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए, उसके साथ ही आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए वहां पर सिंचाई करने के लिए यानी लद्दाख में सिंचाई करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी का भी निर्माण किया सोनम वांगचुंग ने। ये प्रमुख प्रमुख उपलब्धियां हैं सोनम वांगचुंग की, और भी काफी विस्तार है। 2019 में यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख जिससे जिसका प्रशासन सीधा ही केंद्र के अधीन आ गया। अब लद्दाख में कोई भी कंपनी यानी 370 हटने के बाद जो लद्दाख के पास विशेष प्रावधान थे वो खत्म हो गए। अब लद्दाख में कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन खरीद सकता है और कोई भी कंपनी अपने औद्योगिक धंधे होटल वगैरह कुछ भी खोल सकते हैं। लद्दाख के लोग अपनी कल्चर और वहां की जलवायु को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यदि बाहरी कंपनियां लद्दाख में आएंगी तो वहां की कल्चर और वहां की जलवायु के साथ खिलवाड़ होगा, वहां पर औद्योगिक धंधे लगेंगे जो वहां की प्राचीन कल्चर है वो बदल जाएगी। इसी के संबंध में इसी को लेकर लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पर विधानसभा की भी मांग की जा रही है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, वो भी चाहते हैं कि हमारी भी एक विधानसभा हो। अब क्या है सिक्स शेड्यूल, क्या है छठी अनुसूची, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों में जो जनजातीय लोग हैं उनकी कल्चर को बचाने के लिए उनके अधिकार उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में शेड्यूल 6 के तहत। ये सिर्फ किसी राज्य को या किसी केंद्र शासित प्रदेश को ना देकर कुछ हिस्से के लिए प्रावधान किए गए हैं यानी जनजातीय क्षेत्र जिस राज्य में
कुछ क्षेत्र में निवास करता है उन्हीं को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं सिक्स शेड्यूल में, जबकि लद्दाख पूरे राज्य के लिए ये मांग करता है। भारत में बात करें तो चार ऐसे राज्य हैं जिनमें ये सिक्स शेड्यूल लागू है, यानी सिक्स शेड्यूल में ये राज्य आते हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चार राज्य हैं जो पूर्व उत्तर राज्य हैं भारत के, उनमें ये सिक्स शेड्यूल की श्रेणी में आते हैं वहां के जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इनको सिक्स शेड्यूल में डाला गया है, जबकि लद्दाख के लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए सिक्स शेड्यूल में लद्दाख को डालने की मांग करते हैं और साथ में विधानसभा की भी मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोग भी अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए ही सिक्स शेड्यूल में लद्दाख को डालने की मांग कर रहे हैं। अब कुछ घटनाएं हैं महत्वपूर्ण लद्दाख से संबंधित और सोनम वांगचुक से संबंधित, उनको भी जान लेते हैं। 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक द्वारा खारदुगल्ला दर्रे पर उपवास का प्रयास किया गया, यानी लद्दाख की मांगों को रखने के लिए वहां पर उपवास का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा सोनम वांगचुक को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो गया। उसके बाद मार्च 2024 जो हाल ही में 21 दिन की सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल की गई, वो भी काफी चर्चा में रहा। 21 दिवसीय जलवायु उपवास रखा गया सोनम वांगचुक द्वारा, यानी भूख हड़ताल रखी गई, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक और खनन से लद्दाख की सुरक्षा करना और लद्दाख को छठी अनुसूची में जोड़ना। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था सोनम वांगचुक द्वारा जो भूख हड़ताल की गई 21 दिन की। लद्दाख के लोगों द्वारा काफी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया।